नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। योगी आदित्यनाथ ने बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही जहां एक तरफ गोरखपुर वासी आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हुए नजर आए, योगी के शपथ ग्रहण के बाद काशी में जश्न का माहौल जहां नजर आया, वहीं एक माँ ने अपने बेटे को जब शपथ लेते हुए टीवी पर देखा तो वो माँ काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि पर भी जश्न का माहौल देखा गया, जिसकी एक्सक्लूसिव झलक आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। गढ़वाल के लाल योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर यमकेश्वर और कोटद्वार समेत समूचे गढ़वाल में खुशी की लहर छा गई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखंड के पंचूर गांव में जन्मे योगी जैसे ही बीते कल मुख्यमंत्री की शपथ लिए, वैसे ही उनके पैतृक गांव में परिजन और ग्रामीण झूम उठे। देख सकते हैं आप किस तरह से हर कोई जश्न में डूबा है, नाच रहा है, लेकिन एक माँ की आंखें भावुक हो गई। बेटे को दोबारा मुख्यमंत्री बनता देख, योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी को देख माँ की आंखों में आंसू आ गए, हालांकि ये आंसू खुशी के थे। आपको बता दें, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों ने कहा, हमारी अनुरोध है, हमारी इच्छा है कि एक बार योगी घर आए, माँ और भाई बहनों से मिले, उसके बाद जाकर अपना कामकाज देखें। योगी आदित्यनाथ की माँ सावित्री देवी ने इस मौके पर कहा, वो हमेशा ऐसे ही अच्छा काम करेगा, उसे लोगों से खूब प्यार और सम्मान मिलेगा, वो यूपी को उत्तम प्रदेश बनाएगा, बस मेरी इच्छा है कि वो एक बार आ जाए और एक बार हमसे आके मिल ले। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।